धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में हाईवे पर बढ़ती हुई घटनाओं और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन के निर्देश अनुसार आज 1500 स्क्वायर फीट में बनने वाली चौकी जिसकी लागत 29 लाख रुपए है उसका भूमि पूजन किया गया। एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार, थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चड़ार, थाना प्रभारी तारेश सोनी, थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह भदौरिया, हीना जोशी, पुलिस अधिकारी मनोहर सिंह चौहान, पुलिस अधिकारी राधेश्याम चौहान, पुलिस अधिकारी यशवंत योगी, पुलिस अधिकारी सूरज तिवारी के द्वारा आज पंडित सेलू गीते के माध्यम से मंत्रोपचार करके इसका भूमि पूजन किया गया। गीते चलाकर आज से कार्य प्रारंभ किया गया है। एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि अत्याधुनिक और हाईटेक यह चौकी बनेगी। थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चड़ार ने बताया कि यहाँ सीसीटीवी और अत्याधुनिक मोबाइल गाड़ियाँ सुसज्जित होगी जो कोई भी घटना दुर्घटना पर तुरंत आम जनता तक पहुंच सकेगी। एक चौकी प्रभारी होगा और बाकी स्टाफ होगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजेंद्र सिंह बघेल ने भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। पीतमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। जी सर, यहाँ पर जो है पुलिस के माध्यम से जो है चौकी बनाई जा रही है, अत्याधुनिक चौकी बनेगी। नगर पालिका कुछ क्या व्यवस्था करेगी? मध्य प्रदेश शासन से पुलिस विभाग से ये जो चौकी यहाँ स्वीकृत हुई है और यहाँ पे जो अतिक्रमण था तो इसको तत्काल हटाया गया, जैसे संज्ञान में है। और आज भूमि पूजन भी हमारे आदरणीय एडिशनल साहब भूमि पूजन किए हैं टीआई साहब सभी लोगों की उपस्थिति में। ये वास्तव में चौकी जो एक आदर्श चौकी होगी और ये नेशनल हाईवे पे है और हमारी सीमा नगर पालिका सीमा से लग के है चौकी है। तो यहाँ पे नगर पालिका की ओर से जैसे आपका हाईवे है वहाँ पर स्लोगन है, होर्डिंग है, प्रचार प्रसार की चीज़ें हैं, स्वच्छता संबंधी, सुरक्षा संबंधी, अभी जो कोरोना महामारी बीमारी चल रही है उसके जो एड्स हैं, प्रचार प्रसार, वो सारी चीज़ें हाईवे पे यहाँ कर शीघ्र करेंगे। और जो भी यहाँ चौकी से संबंधित जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुविधाएं की जरूरत होगी नगर पालिका यहाँ सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित। मुख्यतः देखा जाता है सर दुर्घटना हाईवे पे ज़्यादातर होते हैं, तो नगर पालिका के माध्यम से ऐसा कुछ दुर्घटना ना हो या कुछ एरो का निशान इस हाँ उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे स्पीड ब्रेकर है, लोग स्पीड में ना चलाएँ, सुरक्षित तरीके से चलाएं, तो उसका प्रचार प्रसार होर्डिंग लगवा देंगे, साइनेज लगवा देंगे। और आवश्यक यहाँ प्रकाश की जो व्यवस्थाएं हैं आवश्यकता अनुसार वो भी नगर पालिका की तरफ से कर देंगे, तो समुचित व्यवस्था रहेगी जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। और दुर्घटना के दौरान यहाँ पे बाकी जो व्यवस्थाएँ रहती हैं वो भी यहाँ रहेंगी। ये बताएं ये चौकी बन रही है सर, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, कितने एरिया में बनेगी? मध्य प्रदेश शासन हमेशा से जनता की सेवा, सुरक्षा और उनको बेहतर पुलिसिंग दे पाए इसलिए लगातार प्रयासरत है। शासन ने इसी पहल के अंतर्गत संजय जलाशय के नाम से सेक्टर 1 धार जिले की चौकी का निर्माण संजय जलाशय चौकी के नाम से किया जा रहा है। ये चौकी करीब 1500 स्क्वायर फीट के एरिया उस पर बनेगी और करीब उसकी कीमत जो है 21 लाख की है और ये मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग के माध्यम से बनाई जा रही है। इस चौकी के बनने के बाद अगले 5-6 महीने के बाद जैसे ही चौकी का निर्माण होता है निश्चित रूप से आए दिन होने वाली एक्सीडेंट, चाहे कोई आपराधिक गतिविधि हो जिसमें लूट हो या और किसी तरह की इमरजेंसी सर्विसेज हो जिसमें की आवश्यकता रहेगी, निश्चित रूप से ये चौकी बनने से बड़ा विजिबिलिटी बढ़ेगी लोगों को। इस रोड के ऊपर चौकी मिलने से निश्चित रूप से काफ़ी सुविधा होगी। तो ये चौकी बनने के बाद में पुलिस की यद्यपि मोबिलिटी आज भी है किंतु नज़दीक ये होने के कारण सभी लोगों को बहुत अच्छा होगा, एक बहुत अच्छी पहल है और पुलिसिंग की दिशा में बहुत अच्छी पहल है और आने वाले समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होगा। कितने की लागत से बनेगी सर? करीब ये 29 लाख की लागत से बनेगी। आप बनाएंगे किस प्रकार से बनेगा? ये चौकी राज्य योजना है और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर ही रहेगा इसमें, 1500 स्क्वायर फीट रहेगा इसका एरिया और 6 महीने में लगभग कम्प्लीट होगी। इसकी लागत 29 लाख और पीछे से जो जाएगा वो साथ साथ। कितने भवन बनेंगे, क्या बनेगा, कक्ष कितने बनेंगे? आप बनाएंगे किस प्रकार से बनेगा? ये चौकी राज्य योजना है और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर ही रहेगा इसमें, 1500 स्क्वायर फीट रहेगा इसका एरिया और 6 महीने में लगभग कम्प्लीट होगी। इसकी लागत 29 लाख और पीछे से जो जाएगा वो साथ। कितने भवन बनेंगे, क्या बनेगा, कक्ष कितने बनेंगे? एक ही भवन रहेगा, उसमें एसएम रूम रहेगा, चौकी इसमें ऑलमोस्ट पूरा वो फैसिलिटीज रहेगी, सभी मूलभूत सुविधाएं युक्त होगा। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। इसका 6 महीने का टाइम पीरियड है। आपका नाम बता दीजिए। सुरेश अलावा।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।